फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे और मॉनसून को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, मॉनसून या रेनी सीजन में हमारे एडेनियम पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन सी बातें हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, रेनी सीजन में क्या होता है, हमारे जो एडेनियम्स होता है उसमें स्टेम रॉट या रूट रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन समस्याओं से अपने एडेनियम को हम कैसे बचा सकते हैं, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं आपको अपनी एडेनियम दिखाती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, कुछ पे और कुछ पे काफ़ी सारी बड्स बनी हुई हैं। ये देखिए, काफ़ी कितना खूबसूरत ये फ्लावर है और ये मल्टी पेटल का येलो कलर का फ्लावर है और देखिए काफ़ी सारी बड्स बनी हुई हैं। लगभग सभी स्टेम्स पे ये देखिए बड्स बनी हुई हैं और बहुत सुंदर ये फ्लावर इसका आता है। और देखिए, ये वाला तो ग्राफ्टेड एडेनियम है और ये नॉन ग्राफ्टेड एडेनियम है, इस पर भी बड्स बनी हुई है। तो इस समय देखिए रेनी सीजन में मेरे सभी एडेनियम्स पे कुछ पे ब्लूमिंग हो रही है और काफ़ी सारे प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए छोटे छोटे 1.5-2 साल के सीडलिंग है और ये देखिए मेरे ग्राफ्टेड जो एडेनियम है उसके सीड्स था और इस पर मुझे लग रहा है देखिए मल्टी पेटल का फ्लावर आएगा क्योंकि जो ये बर्ड्स है ये काफ़ी बड़ी है। देखिए कितने सारे बर्ड्स बनी हुई हैं और ये नॉन ग्राफ्टेड एडेनियम की कटिंग मैंने लगाई थी और इस पर बहुत ब्लूमिंग हुई है। अभी 1-1.5 महीने पहले भी ब्लूमिंग हुई थी और देखिए इस समय भी बर्ड्स बनी हुई है और देखिए काफ़ी सारे एडेनियम्स पे इस समय ब्लूमिंग हो रही है। क्या होता है, देखिए बारिश का जो पानी होता है वो बाकी प्लांट्स की तरह एडेनियम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर क्या होता है कि लगातार बारिश होने से एडेनियम में रूट रॉट या स्टेम रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन समस्याओं से भी हम अपने एडेनियम को बचा सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड एडेनियम है, उसमें डार्क पिंक कलर का मल्टी पेटल का बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर आता है। इसी के मैंने देखिए इसकी कटिंग लेके काफ़ी एडेनियम में ग्राफ्ट अपने किया था। बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर है। देखिए ये बर्ड्स बनी हुई हैं और जब ये पूरा फूल खिलेगा तब मैं आपको इसका अपडेट दूंगी। बहुत ही सुंदर इस पर फ्लावर आता है, डार्क पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। और ये देखिए इसमें भी बर्ड्स बनी हुई हैं। तो इस समय बहुत अच्छा टाइम है, मानसून के समय एक्चुअली प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं और ग्रोथ बहुत तेज होती है। और तभी आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में सभी प्लांट्स एकदम हेल्दी रहते हैं और ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन टिप्स की जिनका हमें इस समय यानी रेनी सीजन में ध्यान रखना चाहिए। पहला काम हमें रेनी सीजन में ये करना है कि यदि आपके यहाँ बारिश कम हो रही है यानी बारिश होती है और फिर धूप निकल जाती है या 1-2 दिन बारिश होती है फिर धूप निकल जाती है तब तो हम अपने एडेनियम्स बाहर बारिश में रख सकते हैं। लेकिन यदि लगातार 4-5 दिन बारिश हो रही है और धूप आ ही नहीं रही है तो ऐसे में हमें जो अपने एडेनियम्स हैं वो सेमी शेड में शिफ्ट कर देने चाहिए, जहाँ बारिश का पानी इन प्लांट्स को नहीं मिले और धूप आती रहे। लेकिन यदि आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है या फिर आपके पास इतने सारे एडेनियम्स हैं कि ये सारे आप सेमी शेड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो देखिए एक काम हमें ये करना है। यदि हम ये पॉसिबल नहीं होता कई बार कि हमारे पास इतना स्पेस हो कि हम सारे एडेनियम शिफ्ट कर लें या फिर काफ़ी सारे एडेनियम्स होते हैं, तो ये काम हमें ये करना है कि जैसे जो हमारे ये एडेनियम है ये देखिए इसमें इतना स्पेस है तो हमें क्या करना है रेनी सीजन में अपने ये जो एडेनियम्स के पॉट हैं इन्हें ऊपर तक फिल कर देना है ताकि पॉट में स्पेस ही नहीं रहे। इसे सॉइल से हम पूरी ऊपर तक देखिए इस तरह से फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, जब स्पेस ही नहीं होगा तो बारिश का पानी भी इसमें नहीं भरेगा क्योंकि स्पेस ही इतना नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम एडेनियम की सॉइल तैयार करते हैं तो वेल ड्रेन सॉइल इसकी तैयार करनी चाहिए ताकि इसमें पानी रुके नहीं, सैंड की मात्रा उसमें काफ़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, यदि इस तरह से वेल सॉइल आप ऊपर तक फिल कर देंगे और वेल ड्रेन सॉइल होगी तो लगातार बारिश में भी आपके जो एडेनियम है वो ख़राब नहीं होंगे। देखिए एक बात हमें इस समय रेनी सीजन में ध्यान रखनी है कि हमारे यदि प्लांट में ये वीड्स वगैरह हो जाती हैं तो इन्हें हमें तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये इतनी सारी वीड्स हैं, ये समर में जैसे मई जून में तो बहुत तेज़ धूप होती है तो ये वीड्स होती हैं तो हमारे प्लांट को हीट से प्रोटेक्ट करती हैं, डायरेक्ट जो सनलाइट वो कोडेक्स वगैरह पे नहीं पड़ती और हीट से बचाती हैं प्लांट को। लेकिन इस समय चूँकि रेनी सीजन में वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बना रहता है प्लांट में और यदि ये वीड्स होंगी
तो ये भी मॉइस्चर होल्ड करके रहेंगी, जिससे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने से प्लांट में रूट रॉट की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ज़रूर करना है कि रेनी सीजन स्टार्ट होते ही यदि प्लांट में किसी भी तरह की कोई वीड्स है, घास वगैरह है, तो आप उसको निकाल दें। देखिए मॉनसून में अडीने में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके लिए रेनी सीजन में 15 दिन में एक बार आप अच्छे से अपने प्लांट की गुड़ाई करें, अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करके कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें आप डाल दें। जब भी ये काम आपको तब करना है जब रेनी सीज़न में आपके यहाँ धूप निकले, 15-20 दिन में जब भी आपके यहाँ रेनी सीजन में धूप निकले, तो अच्छे से आप इस प्लांट जैसे एडेनियम्स की, अपने सभी एडेनियम्स की अच्छे से गुड़ाई करें, और इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या टी लीफ फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र दें। तो इससे क्या होता है, इसे जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहता है और जो प्लांट की रूट्स वगैरह को एयर मिलती है, जिससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। देखिए मॉनसून में एक काम हमें ये करना है कि महीने में एक बार फंजीसाइड 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर में डिजॉल्व करके प्लांट में अच्छे से इनकी लीव्स पर, स्टेम्स में और सॉइल वगैरह में अच्छे से स्प्रे करना है। लेकिन यदि आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है, धूप हो ही नहीं रही है, तो आप पानी में डिजॉल्व करके नहीं बल्कि फंजीसाइड पाउडर को ऐसे ही आधा चम्मच अपने हर प्लांट में दें। देखिए जैसे हमारे यहाँ लगभग रोज़ ही बारिश हो रही थी, आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो इस तरह से आप यदि लगातार बारिश हो रही है तो इस तरह से आधा के 1/4 चम्मच आप इस तरह से अपने सभी प्लांट्स में दें और इस तरह से हल्की सी गुड़ाई कर दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेनी सीजन में फंगस की समस्या भी एडेनिया में बहुत ज़्यादा होती है। मॉनसून में एक काम हमें ये करना है कि देखिए मॉनसून में क्या, कोई भी वेदर में यदि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली मॉनसून में इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार बारिश होती है, तो कोई भी स्पेंट फ्लावर हो या येलो लीस हो उसे आप हटा दें। क्योंकि क्या होता है, यदि हम स्पेंट फ्लावर्स नहीं हटाएंगे तो बारिश का पानी पड़ने से उसमें स्टेम रॉट की समस्या हो जाएगी और धीरे धीरे वो नीचे तक फैल के पूरा प्लांट उसमें हमारा ख़राब हो सकता है। तो स्पेंट फ्लावर और या ड्राई लीव्स, येलो लीस, उसको आप समय समय पर हटाते रहें। मॉनसून में एक काम ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो ये ड्रेनेज होल है ये बंद तो नहीं हुआ है, और ये इस तरह से देखेंगे कि आप यदि अपने प्लांट में पानी देते हैं और वो तुरंत सूख जाता है तो इसका मतलब ड्रेनेज होल सही है, और यदि वो आप पानी देते हैं या फिर बारिश का पानी लगातार प्लांट में ऊपर तक भरा रहता है तो इसका मतलब कि ड्रेनेज होल बंद है। यदि ड्रेनेज होल आपका प्लांट में बंद है तो आप क्या कीजिए कि इस प्लांट को निकालिए और ड्रेनेज होल चेक करके दोबारा से उसको रिपोर्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरसात में लगातार बारिश का पानी बढ़ने से यदि ड्रेनेज होल बंद होगा तो रूट रॉट की समस्या होगी और आपका एडेनियम का प्लांट खराब हो जाएगा। कि इसमें ये रेड कलर का, रेड और ब्लैक सा कलर का फ्लावर आता है, मल्टी पेटल का, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर इसका होता है, और ये वाला मेरा जो एडेनियम है, ग्राफ्टेड एडेनियम, में ख़राब हो गया था और पूरा रॉट हो गया था नीचे से, मैंने इसको कट करके इसको किया है और अब ये देखिए एकदम हेल्दी है और इसमें बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर आता है। देखिए मॉनसून में बस इन कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखें तो हमारे जो ये एडेनियम सही एकदम हेल्दी रहेंगे और फूलों से भरे रहेंगे, क्योंकि इस समय की ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है तो ये टाइम हम एडेनियम के लिए एकदम सुटेबल होता है और इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।